हे गाइज, क्या आपको पता है कि हमारे ईवेक्स डिजाइन मास्टर चैनल पे बहुत सारे ईवेक्स के टॉपिक्स आने वाले हैं और बहुत सारे वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं जो कि आप सीखना चाहते थे बहुत दिनों से, और वो सारे हम जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप सीखेंगे जैसे कि ईवेक्स प्रोसेस क्या है, ये सारे बताएंगे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप डिस्कवर ईवेक्स का प्रोसेस जो है 5 स्टेप होता है ऐसे, लेकिन यहाँ 4 स्टेप दिया हुआ है जैसे कि डिस्कवर, आइडिएशन, डिजाइन और वैलिडेशन। और डिस्कवर में ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जैसे कि फील्ड स्टडी, डायरी स्टडी, यूजर इंटरव्यू, स्टेक होल्डर इंटरव्यू, रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट गैदरिंग, रियलिस्टिक डिजाइन, एम्पैथिक मैपिंग क्या होता है, ये सारे ईवेक्स के टॉपिक्स है। और इसके बिना आप जो कंपनी में है इंटरव्यू सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप डिस्कवर देख लिए हैं, यहाँ पे आइडिएशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आइडिया के बारे में जनरेट करते हैं, कैसे आइडिया क्रिएट करते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन आपको मिलता है, चाहे iOS का हो, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पे हो या एंड्रॉयड का हो, तो आप कैसे सोचते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देखते हैं। कंपेटिटिव एनालिसिस सीखेंगे, डिजाइन रिव्यू सीखेंगे, पर्सनलाइज बिल्डिंग सीखेंगे, टास्क एनालिसिस, जर्नी मैपिंग, ये सारे के सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप डिजाइन का प्रोसेस 3rd स्टेप होता है जहाँ पे आप सीखेंगे डिजाइन का स्प्रिंट कैसे बनाते हैं, स्टाइल गाइड क्या होता है, लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं, रैपिड प्रोटोटाइप क्या है, वायर फ्रेमिंग कैसे होता है, हाई फिडिलिटी विजुअल डिजाइन क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है किसी प्रोडक्ट का, और यूजेबिलिटी बग रिव्यू कैसे करते हैं। ये है 3rd पोजीशन पे। और 4th पोजीशन पे वैलिडेशन होता है कि यदि आपका प्रोडक्ट डेवलप हुआ है तो उसके बारे में यूजेबिलिटी टेस्टिंग, बेंचमार्क टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी इवेल्युएशन, यूजेबिलिटी बग रिव्यू और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अल्फा बीटा टेस्टिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे आप देखेंगे। जो कि चैनल का नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये ईवेक्स डिजाइन ट्रेनिंग था, लेकिन अब मैं चैनल का नाम चेंज करके ईवेक्स डिजाइन मास्टर रखा है, तो इस पे आप ये सारे सीखेंगे। तो इसके पहले जो आप टॉपिक ये सारे देख रहे थे ईवेक्स प्रोसेस का देख रहे थे, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको और भी सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे। यूजर इंटरफेस का क्या क्या चीज़ें होते हैं, यूजर इंटरफेस में इंटरेक्शन डिजाइन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या क्या होते हैं, डेवलपमेंट बेसिक में क्या होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट क्या है और एजाइल क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आप देखेंगे। तो हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, यदि आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको हमेशा हमारे हर स्टेप सीरीज के वीडियो का आपको अपडेट मिलते रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने फ्रेंड के पास, रिलेशनशिप के पास जो सीखना चाहते हैं उन्हें आप शेयर करेंगे, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आप सभी को काफ़ी ये UI/UX के प्रोसेस में मैं हेल्प करूंगा, और एजाइल प्रोसेस के बारे में ये सारे आप टॉपिक देख रहे हैं, मैं आपको इस टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारे आज मैं टॉपिक के सीरीज के बारे में बता रहा हूं इस वीडियो में। जैसे कि UI डिजाइन की अगर प्रोसेस की बात करूं तो UI डिजाइन में ये सारे आप टॉपिक सीखेंगे कि कंटेंट क्या होता है, लेआउट क्या होता है, UI कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है, कलर्स कैसे क्रिएट करते हैं, टाइपोग्राफी क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, और UI पैटर्न कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, क्या UI पैटर्न डिजाइन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, और इंटरेक्शन क्या है, एनिमेशंस क्या है, ये सारे के सारे चीज़ें आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन के गाइडलाइन में मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको इंटरेक्शन डिजाइन के बारे में अगर बताऊं तो 1D, 2D, 3D, 4D और 5D क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको लिटिल नॉलेज दूंगा, जो कि आप इंटरेक्शन डिजाइन के बारे में ये सारे ऑप्शंस आप सीखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन इंटरेक्शन डिजाइनर क्या होता है, सो व्हाट इंटरेक्शन डिजाइनर डू, ये सारे के सारे वीडियो मैं आपको पब्लिश करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको UX प्रोसेस के बारे में, जो कि आप देख रहे थे डिजाइन, वैलिडेशन और डिस्कवर और कैसे हम आइडिएशन करते हैं, ये UI प्रोसेस के बारे में सिखाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में आपको बताऊंगा ट्रीट कंटेंट एज ए ऑब्जेक्ट, पैराडॉक्स चॉइस क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मल्टीपल
फ्रंट डूअर्स क्या होता है, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ही डिटेल में ईवेक्स के बारे में पता चलेगा। और उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में भी मैं लिटिल नॉलेज आपको दूंगा। यदि आप ईवेक्स डिजाइनर हैं तो आपको डेवलपमेंट के कुछ पार्ट जानना चाहिए, जैसे कि CSS, HTML, ये सारे टॉपिक के बारे में जानना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी ही टेक्निकल हैंड से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और आप को कोई भी डेवलपर जो है आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेवलपमेंट के बारे में भी आइडिया होगा। डेवलपमेंट के आइडिया में आपको मैं बताऊंगा UI डिजाइन कैसे बनाते हैं और किस किस डिवाइस को हमें उस समय ध्यान रखना होता है, और UI डेवलपमेंट के समय क्या क्या प्रोवाइड करना होता है, क्या हम टेस्ट करते हैं, और फ्रंट एंड पे कैसे आर्किटेक्चर बनाते हैं, ये सारे जो है डेटाबेस से रिलेटेड। और ये मैं डेवलपमेंट के बारे में, जो कि UI/UX पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है, वो भी पार्ट आपको ये सारे डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केवल टॉपिक बता रहा हूं, और टॉपिक ही काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट होता है। बिजनेस एनालिस्ट में आपको सारे चीज़ें बताऊंगा कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, और बिजनेस एनालिस्ट UI/UX डिजाइनर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, या कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें बिजनेस एनालिस्ट का क्या रोल होता है, बिजनेस एनालिस्ट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन UX डिजाइनर या गेन करता है, और कैसे उससे अपने डिजाइन में कन्वर्ट करके और उसको एक बेटर प्रोडक्ट क्रिएट करता है। तो इसमें बिजनेस एनालिस्ट में आप सीखेंगे बिजनेस एनालिसिस, प्लानिंग और मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। यदि आप ऑल इन ऑल हैं और UX डिजाइनर हैं, कंपनी में आप एज ए सीनियर, एज ए मैनेजर, एज ए प्रोडक्ट लेवल पे काम करते हैं, तो आपको एज ए बिजनेस एनालिस्ट भी थोड़ा सा काम करना होगा, और इससे आपको काफ़ी ही अपने करियर में इम्प्रूवमेंट होगा। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस के लिए भी बिजनेस एनालिस्ट में, जिसको हम एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का जो वर्क होता है वो आप हैंडल कर सकते हैं, और पूरे बिजनेस के बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, आप यूजर के बारे में जान सकते हैं, मार्केटिंग के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो हर वीडियो के सीरीज आप देखते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें आपको ये सारे चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद एजाइल प्रोसेस क्या होता है, एजाइल प्रोसेस क्यों सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ज़रूरत होता है, और इससे क्या बेनिफिट होता है क्लाइंट का और कंपनी का, और कैसे हम किसी भी टास्क को ट्रैक करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट किसी भी प्रोडक्ट में कितना पीछे है और कितना आगे है, और हमें कैसे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और कैसे कोई भी बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट करके एक डेडलाइन पे हम प्रोडक्ट को क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा क्लाइंट पे हमारे कंपनी पे कोई भी पेनाल्टी ना लगे। तो इसके लिए एजाइल प्रोसेस में आप सीखेंगे स्क्रम क्या होता है, एडवांटेज क्या है, स्कोप आउट एंड प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद आपको बुक्स भी, अगर कुछ सजेशन होगा तो मेरे पास 150 करीब बुक्स हैं, EPUB का है, PDF है, तो वो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होंगे। अब यहाँ पे जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया, ये सारे एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं कि ये वीडियोज में मैं क्या आपको बताने वाला था, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको सीखने के लिए मिलेंगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे UX डिजाइन मास्टर चैनल पे। और यहाँ पे आप सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि UX प्रोसेस का स्टेप क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लेकिन मैं फिगर को काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले UX प्रोसेस होगा, UX प्रोसेस का पार्ट्स कितने होते हैं ये सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि UX प्रोसेस का 4 पार्ट्स होते हैं और कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद सारे का सारे ऑप्शन जो हैं ये डिस्कवर में क्या होंगे, आइडिएशंस में क्या क्या करते हैं, डिजाइन में क्या करते हैं, वैलिडेशन स्टेप में क्या करते हैं। उसके बाद आपको यूजर इंटरफेस के UI के बारे में बताऊंगा, इंटरेक्शन डिजाइन के, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट बेसिक, बिजनेस एनालिस्ट एंड बेसिक एजाइल प्रोसेस, ये यूजर इंटरफेस का आपको डिफिनीशन बताऊंगा, और इसमें यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सारे चीज़ें आपको इंक्लूड करके मैं बताऊंगा। उसके बाद इंटरेक्शन डिजाइन में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में जो होता है वो क्या क्या पॉइंट होते हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट यूजफुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब तक आपको सही नहीं होगा प्रोडक्ट का, तब तक आप क्या यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं।
कस्टमर को। उसके बाद डेवलपमेंट का कुछ स्टेप्स मैं ट्रिकी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट के थ्रू से किया जाता है। यदि आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं और डिजाइन प्रोवाइड किए हैं तो डेवलपर लोग जो है इंजीनियर होते हैं वो कैसे आपके डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसे अल्फा बीटा टेस्टिंग तक ये सेंड करते हैं या पहुंचाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट में ये सारे स्टेप हैं। उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट में जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद आप एजाइल प्रोसेस सीखेंगे, उसके बाद बुक्स बहुत सारे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो आने वाले हैं ये आप एक भी वीडियो मिस ना करेंगे, क्योंकि हम सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे सारे ईवेक्स डिजाइन का प्रोसेस का एक फोल्डर होगा, ईवाई डिजाइन का एक प्रोसेस का फोल्डर होगा, एजाइल का एक प्रोसेस का फोल्डर होगा और डेवलपमेंट वाला का भी एक प्रोसेस होगा। उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में भी एक नया टॉपिक है जो कि मैं बाद में बताऊंगा और वो भी काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल है किसी भी प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा है और जो भी वीडियो मिल रहा है ये आपको यूनिक है और ये आपके करियर को 100% मानिए कि आपको ग्रो करेगा और आगे तक आपके करियर को ले जा सकता है। तो दोस्तों बस मैं इस वीडियो को इतना ही पे विराम देता हूं थोड़ा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पे भी आप शेयर करना ना भूलेंगे। और उसके बाद जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना भी ना भूलेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।